धन्यवाद।
गुड इवनिंग आमिर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज किस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहेंगे, ये स्क्रीनिंग के बारे? आज मैंने एक खास स्क्रीनिंग रखी है मेरे दोस्तों के लिए, इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए, एक्टरों के लिए, डायरेक्टरों के लिए, क्योंकि ये फिल्म जो है शिप ऑफ थीसियस जो बहुत जल्द रिलीज़ हो रही है, 19 को शायद रिलीज़ हो रही है, ये फिल्म किरण ने देखी थी बहुत पहले और इतनी उनको पसंद आई तो फिर उन्होंने मुझे दिखाई और मुझे भी बेहद पसंद आई ये फिल्म। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान सिनेमा की, इंडियन सिनेमा की एक बेहतरीन फिल्म है। बहुत छोटी सी फिल्म है, बहुत अनयूजुअल अलग किस्म की फिल्म है, आर्ट हाउस फिल्म है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फिल्म लगी हम दोनों को। और फिर किरण ने फैसला किया, ये फिल्म को रिलीज़ नहीं मिल रही थी और ऐसी फिल्में आमतौर से मुश्किल से थिएटर तक पहुँच सकती हैं, लेकिन हम दोनों को लगा कि ये फिल्म ज़रूर लोगों को देखनी चाहिए और उनके सामने पेश होनी चाहिए और लोगों को मौका मिलना चाहिए, हिंदुस्तानी ऑडियंस को मौका मिलना चाहिए इतनी बेहतरीन फिल्म देखने का। तो लिहाजा किरण ने फिर इसकी ज़िम्मेदारी ली और उन्होंने प्रेजेंट किया इस फिल्म को और उन्होंने UTV के साथ मिलकर, रॉनी स्क्रूवाला के साथ मिलकर ये फिल्म को एक अच्छा सा रिलीज़ देने की, अच्छी से रिलीज़ देने की कोशिश की है। और मैं चाह रहा था कि जो हमारे इंडस्ट्री के यंगस्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको मैं ये फिल्म दिखाऊं, उनके सामने पेश करूं, और जो इस फिल्म की जो टीम है, कास्ट एंड क्रू है, उनको मैं मिलाऊं हमारी इंडस्ट्री के बेहतरीन टैलेंट से, क्योंकि इस फिल्म में जो टैलेंट है वो नया टैलेंट अभी आ रहा है हमारे इंडस्ट्री में। और तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है मेरे दोस्तों को ये फिल्म दिखाने का। मैंने तो सलमान को मैंने बुलाया था, वो आ भी रहे थे, लेकिन उनकी फ़्लाइट डिले हो गई है, वो उनकी फ़्लाइट रात को आ रही है, उनका एक मिस हो गई फ़्लाइट बारिश की वजह से, हैदराबाद में बारिश हो रही थी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो फिल्म के बाद मेरे घर पे छोटी सी पार्टी रखी है मैंने सभी लोगों के लिए, तो सलमान वहाँ पर आएंगे। और जी की का जन्मदिन है, उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर आएंगी और मुझे खुशी है कि कटरीना जी आ रही हैं और उनका बर्थडे का केक भी हम काटेंगे। जी हाँ जी हाँ, इसके बाद जी हाँ फिल्म की स्क्रीन के बाद हम लोग सब मेरे घर जाएंगे, किरण और हमारे नए घर पे जाएंगे। और मैं चाह रहा था कि जो फिल्म की टीम है वो उसको मौका मिले, हमारी इंडस्ट्री को मौका मिले उनसे मिलने का। और वेल आई एम किरण इज प्रेजेंटिंग द फिल्म। You know, I like to try and encourage talent, which I feel is very, very good, and you know, which needs a platform. So, I really believe that this film has got amazing talent. The director, the writer, the DOP, all the technicians have done a wonderful job. The music, the actors are fantastic. So, it's such a gem of a film. It's such a fantastic film that I felt that it really needs our support. It really needs support. You know, I'd like to support and help young talent. And Kiran has taken the responsibility of presenting the film. And I thought I should do my bit by, you know, calling my friends from the industry and showing them the film.